हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद अ चटपटा गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। आज मैं बात करने जा रही हूँ मुनव्वर फारूकी, जो बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं और साथ ही साथ बिग बॉस सीजन 17 का किताब अपने नाम भी कर लिया है। तो बिग बॉस सीजन 17 ने इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी, जैसे कि आयशा खान इस शो पे आई और साथ ही साथ उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि इन्होंने डबल डेटिंग किया, नाजीला के होते हुए इन्होंने आयशा खान को घुमाया, यानी कि एक फोन दिस साइड दूसरा फोन दिस साइड। सो गाइस, मैं अभी कोई भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुनव्वर फारूकी का कोई भी लाइक अगेंस्ट में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आयशा खान ने बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके बताया और इसलिए शो पे आई थी ताकि वो लाइमलाइट में आ सके, जो कि वो आई। जी हाँ, वो लाइमलाइट में आई। अब लाइमलाइट में तभी आई ना कि मुनव्वर फारूकी से उनका नाम जुड़ा, तब ना, वरना कौन जानता था आयशा खान को? ना आप जानते थे ना हम जानते थे, जानते होंगे तो कुछ गिना चुना। मैं यहाँ पे आयशा खान को कुछ भी गलत बोलने नहीं आई हूँ, बट मैं मुनव्वर फारूकी की सपोर्ट में ही बोलूँगी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सो गाइज, आइए एक नज़र डालते हैं कि हाल ही में मुनव्वर फारूकी पहुंचे, सारे फैंस उन्हें देखकर चिल्ला रहे थे, आयशा खान आयशा खान आयशा खान। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुनव्वर फारूकी को देख के सब मनारा चोपड़ा करके चिल्लाएंगे, बट क्या चिल्ला रहे थे, आयशा खान आयशा खान। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुनव्वर फारूकी ने एक ऐसा जवाब दिया कि मेरे तो हंस के एकदम तोते उड़ गए हंस हंस के। तो उन्होंने ये बोला, मुझे बेली डांस नहीं आता, मुझे सिर्फ शेरो शायरी आता जो मैं करता रहता हूँ। मतलब कहीं आप सोच सकते हैं कि उन्होंने ये जो बात बोली, मुझे इतना हद तक अच्छा उनका जवाब लगा कि अगर यही जवाब वो बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर देते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको नहीं लगता? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।